तो दोस्तों गूगल एड्स पे सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें आप पूरी इंडिया में अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सबसे कम पैसे में यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये में आप अपने वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और इसके बाद आप अपने वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हो यानी कि गूगल एड्स कैसे लगा सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताऊं कि आपने YouTube चैनल को या YouTube वीडियो को Google Ads से कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले सारे वीडियो में आपको मैं तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल एड्स के साइट पर चले जाना है, यहाँ पर ads.google.com लिख लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेज आएगा, इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है स्टार्ट एंड गेट 2000 इन एंड क्रेडिट, यानी कि अगर आप पहला अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये का क्रेडिट मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर आपको एक कूपन कोड जाएगा, इसके बाद वो आपको कूपन कोड रिडीम कर लोगे तो आपको 2000 रुपये का मतलब क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्रमोशन क्रेडिट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर मिल रहा है, आपको फ्री में 2000 रुपये मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर लोगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर एक आपका पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो न्यू कैंपेन पे आपको क्लिक कर देना है। कैंपेन पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है सेल, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, इसके बाद प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन। तो इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, आपके लिए सबसे बेस्ट है यानी कि अगर आपका YouTube चैनल है, आप YouTube वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो या YouTube चैनल को प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। इस पर आपको क्लिक करके, आपके सामने जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियोज, ऐप, स्मार्ट, लोकल, डिस्कवरी। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कि सर्च करने पर आपकी वीडियो आएगी या डिस्प्ले में आएगी, शॉपिंग में आएगी। तो यहाँ पर आपका सिंपल से क्या है कि आप एक गोल क्रिएट करना चाहते हो और वीडियो है या चैनल है, आपको इस पे वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए एक यहाँ पर सेलेक्ट कंपेन सब टाइप यहाँ पर आ जाएगा, कस्टम वीडियो कंपेन, नॉन स्किपेबल स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम, ड्राइवर्स कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ध्यान देना, यानी कि कस्टम वीडियो कंपनी। इसका मतलब है कि आप जो ऐड चला रहे हो सारा आपका, मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें गूगल कुछ नहीं कर पाएगा, आप सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करोगे, सारा सिस्टम आपके, मतलब जो इसका सिस्टमेटिक होता है ये आपके हाथ में रहेगा, कंट्रोल वर्जन आपके हाथ में रहेगा। आपको पैसे कितने लगाने हैं, आपको वीडियो कहाँ प्रमोट करना है, किस देश में प्रमोट करना है, इंडिया के बाहर प्रमोट करना है या इंडिया के अंदर में किस किस स्टेट में आपको प्रमोट करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक पेज फिर से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल पर चले जाना है। YouTube चैनल पर चले जाने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एनालिटिक्स वाले में चले जाना है। एनालिटिक्स में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियंस पर क्लिक करना है, क्योंकि ऑडियंस आप किस ऑडियंस को अपने YouTube वीडियो को दिखाना चाहते हो यहीं से आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है Google Ads, यहाँ पर नीचे लिखा है क्रिएट योर कैंपेन, और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा है कन्फर्मेशन, और आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म टाइप में आ जाएगा। इसमें आपको क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, और सबसे कम पैसे में कैसे आपको करना है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, वीडियो कैंपेन, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कैंपेन नेम। तो यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहां पर एक कस्टम टाइप में आएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद में यहां पर इस तरीके से डिलीट कर देना है, और यहां पर आपको गूगल अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में चला जाना है। यहां पर कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के बाद में आपको कौन सा, मतलब अपनी वीडियो को प्रमोट करना है, ठीक है, यहां पर आपको कौन सी वीडियो को प्रमोट करना है या यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है वो क्या है आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर लेता हूँ, इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ से भी प्रमोट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ से प्रमोट करना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अपने वीडियो का मैं यहाँ पर लिंक लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आकर अपने वीडियो का यहाँ पर देखते हैं, शेयर वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर शेयर वाले लिंक पर आके यहाँ पर देखिए मैंने लिंक कॉपी हो गया। आके यहाँ पर वीडियो कैंपेन में आऊँगा तो यहाँ पर इस वीडियो कैंपेन में नेम डालना है कि कौन सा नेम डालना है। मेरा यहाँ पर YouTube वीडियो का क्या टाइटल था, यहाँ पर देखिए कि मेरा YouTube पेमेंट नहीं आया, यानी कि YouTube पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा YouTube, ठीक है,
YouTube पेमेंट, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, नॉट RECIVED, ठीक है, रिसीव्ड। तो ये हो गया मेरा कंपेन नेम। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपका वीडियो होगा उसी टाइटल को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बिड स्ट्रेटजी आएगा, यहाँ पर आपको ये कब आपका काम आएगा, यहाँ पर जो एनालिटिक्स है मैंने आपको जो बताया था कि आपका ऑडियंस यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब यहाँ पर आपको वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके गूगल एड्स में लगाने का। अगर इसमें आप थोड़ा सा कहीं गलती करते हो तो यानी कि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, वीडियो पर व्यूज़ तो आएंगे लेकिन पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपके ना तो अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे ना तो आपका चैनल ग्रोथ होगा। और यहीं से ही आपका चैनल ग्रोथ होता है, इन सब चीज़ों से। यहाँ पर जो तीन चार चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, टॉप ज्योग्राफिकल, ठीक है, और इसके बाद जेंडर, और यहाँ पर कितने उम्र के लोग हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको वीडियो कैंपेन पे चले आना है। यहाँ पर चले आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिट स्ट्रेटजी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम CPV और यहाँ पर एक टारगेट CPV है, CPM लिखा है। तो हम लोग का चैनल है, छोटा चैनल है, कम पैसे लगा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम CPV पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जितना लग सके। और यहाँ पर टारगेट मतलब एक टारगेट रख सकते हैं कि इतना हमें टारगेट करना है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, तो आपको इस पे ही रहने देना। करने के बाद इसको इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा बजट एंड डेट्स का। बजट एंड डेट्स में आपको यहाँ पर कंपेन टोटल यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि आप टोटल लगाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, 5000 रुपये है, तो यहाँ पर टोटल लगा दोगे तो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन ये आपको नहीं करना है, टोटल नहीं करना है, डेली पे कर देना है। डेली पे कर देने के बाद यहाँ पर आपको रुपीज़ में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर आपको 100 रुपया करना है, ठीक है, 100 रुपये यहाँ पर आपने कर दिया। यहाँ पर आपने कंपेन नेम सेट कर दिया, बीट स्ट्रेटजी कर दिया, और बजट्स एंड डेट्स में डेली करके यहाँ पर आपको 100 कर दिया, ठीक है। इतना कर देने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर देखिए नेटवर्क्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी वीडियो YouTube पे किस नेटवर्क पे चलेगी, यानी कि YouTube वीडियो के नीचे आएगी या YouTube सर्च रिजल्ट में आएगी, किस पे आएगी, तो यहाँ पर आपको इसे अनटिक कर देना है। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें रखनी है, YouTube वीडियो के नीचे यानी कि किसी की वीडियो चल रही उस पे आएगी, और आपका एक आएगा ये क्या बोलते हैं कि YouTube के ब्राउज फीचर्स में आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि 100 रुपया मैंने लगाया हुआ है, और 100 रुपया में अगर मेरा चलेगा तो 10 बिलियन इंप्रेशंस मेरा जाएगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब लोकेशंस में हमें क्या करना है कि इंडिया, अब यहाँ पर आएगा गूगल के एनालिटिक्स, अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपकी यूट्यूब वीडियो को कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में लगाओ, बांग्लादेश में लगाओ, नहीं, आपकी जैसे मान लीजिए मेरे इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं, पाकिस्तान में कम है, तो पाकिस्तान में लगा के मैं क्या करूँगा, बांग्लादेश में लगा के मैं क्या करूँगा, तो इंडिया पर मैं ही लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट रहने देता हूँ इंडिया। अगर आपका अनदर कंट्री में भी ज़्यादा व्यूज आता है तो आप यहाँ पर जाके इंटर अनदर लोकेशन में जाके यहाँ पर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो इंडिया में रहने देता हूँ। अब यहाँ पर लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पर आपको क्या डालना है कि आपकी वीडियो का लैंग्वेज क्या है, तो वीडियो का लैंग्वेज हिंदी रहता है तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर भी कुछ लोग देखते हैं, हमारी कंट्री के देखे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लेना है, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में वीडियो देखते हैं और वो उनके पास भी जाएगी, तो इससे क्या है कि हमारे रीच सबसे ज़्यादा जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर चले आना है इन्वेंट्री टाइप में। इन्वेंट्री टाइप में आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड बताया है कि ये जो है सब जगह चलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कर बोल लूँगा कि एक्सपेंडेड में कर देना है। एक्सपेंडेड मतलब हर जगह चलेगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा आपकी वीडियो पर। इसको इस तरह से ओके कर देना। ओके कर देने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कंटेंट नॉट एबल्ड मतलब वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, इसको अनटिक कर देना है। और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो, ठीक है, सेलेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट कंटेंट टाइप टू एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको अनटिक कर दे मतलब टिक कर देना है, ठीक है। और इन कंटेंट नॉट लेबल्ड इसको भी अनटिक कर देना, मतलब जो भी लेबल्ड नहीं है उस पर मतलब क्या दिखाने का मतलब होगा, जो YouTube ने किसी मतलब कैटेगरी को डिसाइड ही नहीं किया है इन सब वीडियो को। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के नीचे आपका नहीं चलेगा, एम्बेडेड YouTube वीडियो के नीचे नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या देखिए क्या साफ तरीका है, एम्बेडेड YouTube वीडियो प्रिवेंट्स योर एड फ्रॉम शोइंग ऑन YouTube वीडियोज एम्बेडेड ऑन वेबसाइट आउटसाइड ऑफ YouTube, मतलब
YouTube के अलावा अनदर वेबसाइट पे चलेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ YouTube से ही ट्रैफिक लाना है। तो इसको आपको इस तरह से कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ गया, रिलेटेड वीडियो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद कन्वर्सेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, डिवाइसेस में आपको आना है। डिवाइसेस में आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिखा है शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, मतलब टीवी पे दिखेगा, जितने लोग देखते हैं लैपटॉप पे दिखेगा, पीसी पे दिखेगा, तो यहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। यहाँ पर देखिए मोबाइल, टीवी, टैबलेट, आपको सिलेक्टेड, आजकल लोग के पास मोबाइल ज़्यादा रहता है तो मोबाइल में सब कुछ देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है, टैबलेट, टीवी शो हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल सेलेक्ट हो गया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारा सेलेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन ये सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैंपिंग लिखा है, जिसमें लिखा है नन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैप फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर कर देना है कि आपकी वीडियो का इंप्रेशंस, यहाँ पर देखिए इंप्रेशंस कैप लिखा है कैंपेन, कि एक व्यक्ति के पास यानी एक बंदे के पास कितना इंप्रेशन जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप दो कर दीजिए, यानी कि दो बार इंप्रेशन जाएगा पर डे, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पर डे नहीं पर वीक कर दीजिए, क्योंकि रोज रोज उसके पास इंप्रेशन जाएगा तो आपका पैसा यहाँ पर खर्च होगा, ज़्यादा खराब व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पर वीक मतलब दो वीक में एक बार दो इंप्रेशन चला जाएगा, काफ़ी है उतना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एड शेड्यूल कुछ नहीं करना है, थर्ड पार्टी मेजरमेंट कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें में कैप फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ और है आपका, कि कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए एक बंदा आपकी एक बार वीडियो को देख ले रहा है ऐड के माध्यम से, तो वो एक ही बार देखिए, क्योंकि एक बार पैसा खर्च हो जाएगा, इसके बाद वो दोबारा आपकी वीडियो को सर्च करके देखे, तो यहाँ पर आप एक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर वीक कर दीजिए, ठीक है। फिर से जैसे मान लीजिए अगर देख लिया फिर नेक्स्ट वीक जाएगा तो वो देख सकता है, तो यहाँ पर वीक करके इसे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट योर एड ग्रुप, यहाँ पर एक एड ग्रुप नेम करना है, कस्टम वीडियो कस्टम यहाँ पर है, तो आपको इसे हटा देना है। हटाने के बाद इसे डिलीट कर देना है और आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए वीडियो का टाइटल क्या यहाँ पर रखा गया है कि YouTube पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पर आपको रखना है पेमेंट, ठीक है, PAYMENT पेमेंट, आपकी वीडियो का टाइटल जो हो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ग्रुप में रखना है। ये कर दिया आपने, अब यहाँ पर देखिए लिखा पीपल हु वॉन्ट टू रीच, पीपल किसके पास जाना चाहिए, आपको डेमोग्राफिक में आना है। डेमोग्राफिक में आने के बाद कई सारे लोग बोलते हैं इसको इसी तरह से छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो अननोन है ना, इसको आपको अनटिक कर देना है अननोन को, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है वो आपकी वीडियो को देख भी लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन वो आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने YouTube वीडियो, YouTube चैनल मतलब YouTube के एप्लीकेशन में अपना Gmail लॉगिन आईडी नहीं किया, मतलब कोई चैनल नहीं है, ऐसे लोग हैं, तो इन सबको अनटिक कर देना है। अनटिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा, ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट के बाद मतलब है कि आपकी वीडियो कितने लोगों के मतलब किस टाइप की, मतलब इंटरेस्ट किस लोगों का है, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूबर्स के पास जाना चाहिए कि किसके पास जाना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे हम जैसे लोग हैं मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर देंगे, सोशल मीडिया सेलेक्ट कर देंगे, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक बार मोबाइल फ़ोन से सेलेक्ट कर देंगे, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर YouTube सर्च करेंगे, YOUTUBE YouTube सेलेक्ट करेंगे, तो YouTube सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर YouTube वीडियो आ गया, YouTube आ गया, इन्फॉर्मेशन अबाउट मेकिंग वीडियो आ गया, YouTube ओरिजिनल शो वीडियो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ गया, तो आपको यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक अ YouTube चैनल, ठीक है, इंक्रीजिंग YouTube चैनल सब्सक्रिप्शन, ये सारे आ गए। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें आपके हिसाब से सही लगे, इसका मतलब यह है कि इतने ऑडियंस के पास अपनी वीडियो को आप भेज रहे हो, इतनी ऑडियंस के पास आपकी वीडियो YouTube भेजेगा, इंप्रेशंस भेजेगा, और उसी से रिलेटेड आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर आएंगे। तो ये सब आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है, कीवर्ड तब सेलेक्ट किया जाता है जैसे मान लीजिए कि आपकी वीडियो सर्च की जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को किसी के सर्च में नहीं लाना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई गूगल ऐड चलाए, अपना यूट्यूब खोले और आपकी वीडियो उसके सामने आ जाए, ऐसा नहीं कि वो सर्च करें, तो यहाँ पर आपको कोई भी कीवर्ड नहीं लगाना है, ध्यान रहे इसमें आपको कोई भी कीवर्ड नहीं लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको टॉपिक्स पे आना है, ठीक है, टॉपिक्स में आना है। यहाँ पर लिखिए क्या लिखा है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक्स पे है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप फिर भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर साइंस का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर साइंस में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर साइंस में देखो क्लिक करोगे तो क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी तरह की चीज़ें आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी है, तो आपको टॉपिक्स को इसी तरह से छोड़ देना है। टॉपिक्स को छोड़ देने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या,
एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर देखिए आपके वीडियो किस तरह के लोग ज़्यादा देखते हैं, 18 से 24 साल वाले लोग ज़्यादा देखते हैं और मेल ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको किस में डेमोग्राफिक में देखिए मेल आपकी वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप चाहते हो कि हमारी वीडियो को जब मेल ज़्यादा देख रहे हैं तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मेल फीमेल दोनों रख सकते हो। और 18 से 24 वाले एज वाले ज़्यादा देख रहे हैं तो 65 55 45 इन सब एज वालों को आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आपकी वीडियो को कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 18 से 24 वाले पे ज़्यादा है, यानी कि 49.7% है। तो आप इन्हीं पर टारगेट कीजिए ताकि आपका पैसा जो लगे वो सही जगह लगे, ठीक है। तो आप इतना टारगेट कर सकते हो। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका 970 मिलियन जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब ये कर दिया, ये करने के बाद आपको इस तरीके से कर देना है। आप चाहो तो इस पे आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो को कौन से एज वाले ज़्यादा देखते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर टोटल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कीवर्ड सेलेक्ट हो गया, टॉपिक को छोड़ देना। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप सिलेक्टेड पर्सन, जैसे मान लीजिए मैं सकता हूँ यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो है, तो यहाँ पर मैं चैनल टारगेट कर सकता हूँ कि इन लोगों के चैनल पर ही मेरी वीडियो चले, यानी कि इन लोगों की वीडियो को जब कोई देखेगा तो उनकी वीडियो के नीचे मेरी वीडियो आएगी। तो आप इसे टारगेट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि पूरे इंडिया में चले और जितने लोग आपके कैटेगरी के हैं वो आपकी वीडियो को देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है सबसे मेन पॉइंट, आता है बिडिंग, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि आप बिडिंग कैसे लगा रहे हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा 0.10, मैंने कहा 10 पैसे, ये 10 पैसे यानी कि 10 रुपये में आपके कितने यहाँ पर व्यूज आते हैं। यहाँ पर आप 0.10 कर दोगे, और उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको कंटेंट में जाना पड़ेगा और आपने जो वीडियो यहाँ पर कॉपी किया है, यानी कि जो वीडियो आपको लेना है, मैंने इस वीडियो का यहाँ पर लिंक कॉपी किया था, यहाँ पर लिंक ले लिया था और यहाँ पर ले आकर आपको इस पे यूट्यूब वीडियो पर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इस पे पेस्ट कर दिया, इसका लिंक पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ गई है, और मेरी वीडियो आने के बाद यहाँ पर मैंने 10 पैसे यहाँ पर लगाए हैं, 0.10 करके लगाया हुआ है, बिडिंग लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए आपके सामने यहाँ पर वीडियो एड फॉर्मेट आ गया। वीडियो एड फॉर्मेट मतलब आपकी वीडियो किस, मतलब एड डिस्कवरी एड लगाना चाहते हो, स्किपेबल, मतलब स्किपेबल मतलब होता है कि किसी की वीडियो चल रही है, आप जैसे ही किसी की वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो जो एड आता है, सबसे पहले एड आता है उसमें आपकी वीडियो 30 सेकंड तक चलेगी, तो वहाँ पर अगर वो आपकी वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपकी वीडियो पर चले जाएंगे, नहीं तो वो स्किप कर देंगे। तो इस पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, इस पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। वीडियो डिस्कवरी ऐड यानी कि जब कोई भी यूट्यूब अपना खोलेगा, यूट्यूब एप्लीकेशन खोलेगा, तो आपकी वीडियो सबसे पहले ऊपर में दिखाई देगी, तो जिसको देखना होगा देख लेगा। तो ये डिस्कवरी ऐड आपको लगाना है। डिस्कवरी ऐड लगाने के बाद में आपका थंबनेल इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर सामने दिखा रहा है कि आपकी वीडियो कैसे लोगों को दिखेगी, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि आपकी वीडियो YouTube पर कैसे दिखेगी, होम पेज पर सबसे ऊपर में दिखेगी। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपने 10 पैसा लगाया हुआ है और 10 पैसे में, यानी कि देखिए 10 पैसे मतलब 10 रुपया में आपकी वीडियो 7000 लोगों तक जा सकती है, ठीक है, 1900 लेके 7100 लोगों तक जा सकती है सिर्फ 10 रुपये में, ठीक है। ये आपके मतलब टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा है। आपको यहाँ पर एक बार चला कर देख लेना होगा, अगर मान लीजिए उस टाइम पर आपकी वीडियो ज़्यादा रीच जा रही है और पैसे कम लग रहे हैं तो आपको ऐड चलते रह देना चाहिए, और अगर आपकी वीडियो पर ज़्यादा मतलब पैसे लग रहे हैं, स्टार्टिंग में आपका पहले दिन हो सकता है कि आपका ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगे, इसके बाद धीरे धीरे ये ऐड कम होने लगता है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया था, यहाँ पर ये सब देख सकते हो कि 0.06 पैसा लगा था, 10 पैसे से भी कम लगा था। तो यहाँ पर आपका एक दो दिन के बाद डिसाइड होगा कि आपका कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पहले दिन हाई रहता है, इसके बाद धीरे धीरे दूसरे दिन कम हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन देख सकते हो कि 10 पैसे में यानी कि 10 रुपये में आपको 2000 से लेकर 7000 तक व्यूज यहाँ पर आपको मिल सकता है, और यहाँ पर सोचिए कि कितने अच्छे सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ काम करना है, हेडलाइंस यहाँ पर देख सकते हो, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हेडलाइन देने से पहले, कि यहाँ पर आप ब्रांड का नाम नहीं दे सकते हो, जैसे यूट्यूब नहीं दे सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं दे सकते हो, और कोई ऐसा वर्ड नहीं डाल सकते हो कि जो थोड़ा सा हाईलाइट हो, मतलब ज़्यादा वो, जैसे कि फ्री, ये सब वाला वर्ड यहाँ पर आप नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पेमेंट नॉट रिसीव्ड, पेमेंट पेमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पेमेंट नॉट रिसीव्ड। आप डिस्क्रिप्शन में भी यही कॉपी कर सकते हो आप,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी यही मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन टू में भी मैं यही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट नॉट रिसीव, लोगों को क्या दिखेगा, पेमेंट नॉट रिसीव। यहाँ पर आप YouTube को थोड़ा सा अलग अलग लिख सकते हो, YouTube, ठीक है, Tube, इस तरीके से YouTube पेमेंट नॉट रिसीव्ड। और इसके बाद यहाँ पर YouTube पूरा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, तो यहाँ पर भी आप इसे पेस्ट कर सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर भी आप इसे पेस्ट, सॉरी यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ, कॉपी इस तरह से कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, YouTube पेमेंट नॉट रिसीव्ड। तो और यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको एड नेम में आपको क्या कर देना है, अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्टिव राहुल, ठीक है, एक्टिव राहुल। तो यहाँ पर अब जो ऐड चलेगा यहाँ पर आपके सामने देखिए, YouTube पेमेंट नॉट रिसीव्ड, और ऐड में यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिव राहुल, यानी कि एक्टिव राहुल YouTube चैनल पर ये ऐड स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या लिखा है कि 100 रुपये में या आपका जो ये चल रहा है 10 पैसे में आपका 10 रुपये में आपका ये जो है आपका 7,000 लोगों तक यहाँ जा सकता है, और 100 रुपया आपका जो बजट है, टोटल बजट है। तो इस तरीके से कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ये सारा सब कुछ हो गया, यहाँ पर आपको एक बार फिर से देख लेना है कि मेरा सब कुछ यहाँ पर ओके है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कर देनी है। कर देने के बाद में यहाँ पर आपका देखिए अवेलेबल इंप्रेशन 2.4 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिलियन में है, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा का है। और यहाँ पर क्रिएट कैंपेन, यहाँ पर आपको क्रिएट कैंपेन पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्मेशन। यहाँ पर आपका लिखा है कि यानी कि 6 नवंबर 2021 से आपने ऐड क्रिएट किया, और नॉट इंडिया, यानी कि आप यहाँ पर डेली लगाए हो। कैंपेन ऑब्जेक्टिव नॉट गोल सेलेक्टेड, बिट मैक्सिमम CPB, और इन्वेंट्री टाइप है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, और आपका यहाँ पर ऐड ग्रुप ऐड। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे और आपका जो ऐड है वो यहाँ पर लग जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका जो डेमोग्राफिक है, कितने उम्र के हैं, कीवर्ड आपने कुछ नहीं डाला है, कीवर्ड आपको नहीं डालना है, और आपका YouTube का जो टाइटल है वो क्या है। तो इस तरीके से आप अपने YouTube वीडियो का ऐड लगा सकते हो, और कम से कम पैसे में आप अपने YouTube वीडियो का ऐड चला। सो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो को कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।